जिस टाइम मैं इस गांव में था उस टाइम ना यहाँ पर बिजली थी ना सड़क थी, भौगोलिक स्थिति बहुत ही ख़राब स्थिति में थी। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए हमको ये समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। तब मैंने फिर केबी के कटिहार के बारे में सुना, वहाँ पर भी मैंने गया जाकर वहाँ से सर लोग से भी वैज्ञानिक लोग से भी बातचीत की। तो किसी ने गौ पालन के लिए बोला, किसी ने मुर्गी पालन के लिए बोला, तो वहाँ पर फिर मुझे नर्सरी का समझ में आया जो नर्सरी करना चाहिए। लेकिन नर्सरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, ये बहुत स्लो ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ जब हो जाती है तब फिर घूम के आपको देखना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक वो चलना स्टार्ट हो। केबीके में गया जाकर वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग भी ली, लेने के बाद उसने बताया जो इसका एक लाइसेंस होता है जिले स्तर पर। तो मैंने फिर उन लोग से पता किया जो कैसे क्या होता है इनका प्रोसीड्योर, तो सारा चीज़ उसने बताया। फिर मैंने उद्यान में गए, उद्यान में जाकर मैंने फिर लाइसेंस की अप्लाई की। उसके बाद मुझे लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुझे उद्यान के माध्यम से मुझे मिल गया। मिलने के बाद धीरे धीरे सरकार की भी स्कीम आई जिसमें पौधा लगाओ पर्यावरण को शुद्ध किया जाएगा, इसी के आधार से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अपनी। करते करते मैंने कुछ सरकारी भी काम किए, पब्लिक को भी यहाँ पर किसान लोग को भी देना शुरू किए। उसके बाद से केबीके ने बताया जो आपने तो डिस्ट्रिक्ट से आपने लाइसेंस ली हुई है, लेकिन अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का भी एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये भी एक इसका मापदंड में आती है। तो उसके बारे में भी जानकारी कुछ हमको केबीके से मिला। फिर हमने उद्यान में गए, उद्यान से भी पता किए। पता करने के बाद उसका फिर हमने ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। तो फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से और केबीके के माध्यम से यहाँ पर आकर मेरा नर्सरी को फिर अलग से विजिट किया गया, जिसके माध्यम से मुझे फिर इसका लाइसेंस नेशनल हॉर्टिकल्चर से भी मिल गई, जो मैं जिला का पहला किसान हूँ और नर्सरी ओनर हूँ जिसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।